Then Emeria necrotris cause intestinal coccidiosis and Emeria burnetii cause rectal coccidiosis. तो इसको याद रखना है आपको, पहले क्लास में बता चुके हैं कौन सा कोक्सिडियोस कोक्सिडिया इमेरिया स्पेसिस सिकल कोक्सिडियोसिस, कौन सा स्पेसिस रेक्टल और इंटेस्टाइनल कोक्सिडियोसिस काउज करता है। देन इन केस ऑफ कैटल टू इंपॉर्टेंट स्पेसिस इज जुर्नाई एंड बोविस, मोस्ट कॉमन स्पेसिस इन केस ऑफ कैटल इज बोविस बस इमेरिया जुर्नाई काउज विंटर कोक्सिडियोसिस एंड मोस्ट पैथोजेनिक स्पेसिस इन केस ऑफ सीप एंड गोट ओविना इंट्रिकेटा ग्रेनुलोसा एसास्टा क्रेंडेलिस एंड गिलुरिथी, गिलुरिथी फाउंड इन द अबोमेजम ऑफ सीप एंड गोट। इसको याद रखना है क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट है लोकेशन इसका, गिलुरिथी फाउंड इन केस ऑफ अबोमेजम एंड सीप एंड गोट, इन केस ऑफ गोट एरोलंगाई कैप्रिना हिर्सी नीना कोही की मूवी एंड गिलुरिथी फाउंड इन केस ऑफ गोट। देन इन केस ऑफ डॉग आइसोस्पोरा स्पेसिस इज द कोक्सिडियन स्पेसिस इन केस ऑफ डॉग एंड कैट, सम अनदर कोक्सिडियन स्पेसिस इज इन केस ऑफ डॉग एंड कैट नियोस्पोरा केनाइनम टॉक्सोप्लाज्मा गुंडाई एंड सार्कोसिस्टिक, जो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। इन केस ऑफ इमेरिया इंपॉर्टेंट लोकेशन इज इंट्रा सेलुलर पैरासाइट इंट्रा सेलुलर प्रोटोजोअन पैरासाइट फाउंड इनसाइड द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रोटोजोअन पैरासाइट। इन्फेक्टिव स्टेज इज पहले बता चुके हैं एस्पुरेटेड ओसिस्ट, एस्पुरेटेड ओसिस्ट एंड ट्रांसमिशन विदाउट नो इंटरमीडिएट होस्ट रिक्वायर्ड सो ट्रांसमिटर थ्रू द इंजेक्शन ऑफ एस्पुरेटेड होस्ट थ्रू द कंटामिनेटेड फीड एंड वाटर। इन्फेक्शन किसी एनिमल में थ्रू कंटामिनेटेड फीड एंड वाटर एस्पुरेटेड ओसिस्ट से कंटामिनेटेड ओसिस्ट को जब इंजेस्ट कर जाएगा होस्ट कोई भी एनिमल तो इमेरिया का इन्फेक्शन या पोल्ट्री का कोक्सिडिया का इन्फेक्शन होगा। डायरेक्ट हम यहां पे आते हैं फ्रॉम द इन्फेक्टेड होस्ट unaspirated oocyst is created out of the feces of the infected host. Unaspirated oocyst, this is the unaspirated oocyst, unaspirated oocyst, then unaspirated oocyst converted into aspirated oocyst. आवाज मेरी जा रही है आपके पास? हेलो। यस सर। यस सर। unaspirated oocyst फीसेस के द्वारा, यदि पोल्ट्री है इन्फेक्टेड तो अनस्पुलेटेड ओसिस्ट बाहर आएगा, देन आफ्टर एस्पुरेशन बाय द एस्पोरगोनी प्रोसेस अनस्पुलेटेड ओसिस्ट कन्वर्टेड इनटू डेवलप इनटू एस्पुरेटेड ओसिस्ट, दिस इज द एस्पुरेटेड ओसिस्ट इज द इन्फेक्टिव स्टेज। इन प्रीवियस क्लास आई हैव टोल्ड एस्पुरेटेड ओसिस्ट कंसिस्ट ऑफ फोर एस्पोरोसिस्ट एंड ईच एस्पोरोसिस्ट कंसिस्ट ऑफ कितने एस्पोरोजॉइट, टू एस्पोरोजॉइट, ईच एस्पोरोसिस्ट में टू एस्पोरो, टोटल एट एस्पोरोजॉइट होगा। देन फाइनल होस्ट गेट इन्फेक्शन बाय द इंजेक्शन ऑफ एस्पुरेटेड ओसिस्ट कंटामिनेटेड फीड एंड वाटर, फीड एंड वाटर में यदि कंटामिनेटेड है तो उसके इंजेक्शन से एस्पुरेटेड ओसिस्ट होस्ट इंजेस्ट करता है, देन बाय द action of the intestinal enzyme and hormone cyst of the aspirated oocyst rupture and aspirozoite excreted out, excreted out, then aspirozoite infect invade intestinal epithelial cells, intestinal epithelial cells, then aspirozoite converted to trophozoite, trophozoite converted into zygote stage and zygote consist of, each zygote consist of many merozoite, each zygote consist of many merozoite, this is the zygote stage, zygote consist of many merozoite, then zygote rupture, merozoite liberated and infect the, and merozoite form
macrogametocyte and microgametocyte. Large gametocyte, that is macrogametocyte, is female gamete, and a small gamete, that is microgamete, is male gamete. After fusion of micro and macrogamete, oocyst form, then unaspulated oocyst is excreted out of the feces of the infected host. In the environment, aspulated oocyst convert ho jata hai aspulated oocyst mein with the suitable oxygen, temperature and humidity. Tino cheez milega tabhi aspulated oocyst become unaspulated oocyst become aspulated oocyst. Kahin pe confusion ho to puchiyega. Coccidia is ubiquitous in poultry because adult act as a carriers. It Coccidia ya Emeria species mainly pathogenic is young chicks ya young animals. Adult are usually act as a carrier. Animals and birds are mostly susceptible and adult act as a carrier. In case of poultry, three type of coccidiosis occurs: sickle coccidiosis, rectal coccidiosis and intestinal coccidiosis. So first hum aate hain sickle coccidiosis. Most important, bahut common puchta hai objective mein, short notes mein bhi. Sickle coccidiosis is caused by Emeria tenella. Most pathogenic and most common species in case of poultry. Sickle coccidiosis is caused by Emeria tenella. It mainly occurs in 3 to 7 beaks of eggs. And main, it found location is the cecum of the poultry. Cecum mein milega, wahan par cause karega inflammation of cecum. Then cecum filled with the necrotic caseous material. And that is known as sickle core. Ek a structure ban jata hai jisko sickle core kehte hain. Lumen of sicca filled with the consolidated dark brown blackish caseous mass, that is known as sickle core. This is the cecum. Hemorrhages found in case of Emeria tenella, found in case in cecum. In case of sickle coccidiosis, hemorrhages. Then symptom, cecum core is the characteristic lesion of sickle coccidiosis. ये भी याद रखिएगा. Sickle core sir, हाँ. Sir, sickle core थोड़ा सा समझाइए ना sir. Sickle core क्या होता है? Sickle core vein Emeria tenella infect cecum of the poultry. Then inflammation of cecum occur. Inflammation हो जाता है cecum में. Then cause hemorrhages in the cecum. सिक्कम में हेमरेजेस होता है, देन सिक्कम फिल्ड विद द नेक्रोटिक केजियस मटेरियल. केजियस मटेरियल, कैजिन मटेरियल, केजियस मटेरियल के जैसा फिल्ड अप रहता है, उसी को सिक्कल कोर बोला जाता है. उसी को सिक्कल कोर, एक एक कन्फाइंड एरिया में वो फिल्ड अप रहता है नेक्रोटिक केजियस मटेरियल, दैट इज नोन एज सिक्कल कोर. And most important symptom in case of Emeria tenella is, that in case of sickle coccidiosis, is bloody diarrhea. In case of Emeria tenella, bloody diarrhea, red diarrhea hoga in infected poultry. Important symptom yaad rakhiyega in case of sickle coccidiosis, jo cause karta hai Emeria tenella. And most important symptom is bloody diarrhea. देखिए इस type का diarrhea आएगा. दूसरे species में जैसे rectal coccidiosis, intestinal coccidiosis जो cause करता है species, उसमें bloody diarrhea नहीं भी होता है. लेकिन in case of sickle coccidiosis, important या cardinal sign is bloody diarrhea. Another symptom is dropping, stop feeding, anemia and death of the infected chicks. Chicks में mainly mortality cause करता है. Young chicks में. Adult act as a carrier. Adult को भी आप poultry को या cattle को या sheep and goat को आप examine कीजिएगा तो उसमें unaspulated oocyst मिलेगा. जो आपको lab में आदि feces examination कर रहे हैं तो उसमें unaspulated oocyst मिलेगा आपको. Unaspulated oocyst, उसमें asporocyst, asporozoite नहीं मिलेगा. लेकिन infective stage है aspulated oocyst, उसमें आपको asporozoite stage मिलेगा.
Then another coccidiosis in case of poultry is rectal coccidiosis caused by Emeria burnetii. Rectal coccidiosis. इसमें white fluid dropping mixed with blood. उतना blood नहीं रहता, some amount of blood and vitreous fluid feces mixed with the blood comes out with the infected poultry. And dehydration, reduced body weight again, and lack of appetite. Another is intestinal coccidiosis. Is caused by the many more than one species of the Emeria species. Jaise Emeria necatris, Emeria cervulena, Maxima, Mibiti, Pericox, all cause intestinal coccidiosis. Sabhi intestinal coccidiosis, generally older bird affect. But older birds are affected and chronic form common. Chronic milega generally. Then, in case of Emeria necatrix, watery diarrhea with blood. Chronic watery diarrhea without blood in case of Emeria cervulena. Cervulena ke case mein blood nahi aega. लेकिन इमेरिया नेकेट्रिक्स दोनों इंटेस्टाइनल कोक्सिडियोसिस काउज करता है, लेकिन इमेरिया नेकेट्रिक्स के केस में ड्रॉपिंग या फिसेस बाटरी विद कंटेनिंग ब्लड एंड क्रोनिक बाटरी डायरिया काउज बाय द इमेरिया असरबुलिना. इंपॉर्टेंट सिम्टम्स देन इन केस ऑफ कॉफ, जैसा पहले बताए हम, इन केस ऑफ कॉफ two most common species is Emeria bovis and Emeria jurnai. Emeria bovis, Emeria jurnai cause winter coccidiosis. Winter coccidiosis because it occurs mainly in winter season is cause winter coccidiosis. Symptom is foul smelling diarrhea, a smelling fetid diarrhea with and without blood. Blood reh bhi sakta nahi bhi reh sakta hai. Abdominal pain, swelled hind quarter, anorexia. Young calf are died due to the heavy loss of blood. इसमें भी generally बहुत सारा केस मैंने देखा है bloody diarrhea, pure young calf में bloody diarrhea आता है, लेकिन without blood भी मिलता है. तो winter सर इसमें कौन सा पार्ट, हाँ सर, इंटेस्टाइन का कौन सा पार्ट इसमें होता है, जैसे rectal sickle था ना poultry केस में, इसमें जनरल इंटेस्टाइन, कोई भी ऐसा नहीं है कि डिफाइंड. जनरल इंटेस्टाइनल पार्ट में एपिथेलियल सेल्स, इंटेस्टाइन के एपिथेलियल सेल्स में कहीं भी रहेगा, किसी भी पार्ट. पोल्ट्री के केस में कुछ कुछ ऐसे दो ही स्पेसिस है, जैसे इमेरिया टेनेला सिक्कम में मिलेगा, इमेरिया नेकेट्रिस रेक्टम में. लेकिन और अनदर स्पेसिस है, जैसे इमेरिया नेकेट्रिस एसरभुलेन्ना मीटिस मेवेटी, सबका थोड़ा सा लोकेशन है कि अपर पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन, लोअर पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन एंड मिडिल पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन. लेकिन यूजी के लिए अभी उतना डिटेल नहीं याद रखिएगा. इंटेस्टाइनल कोक्सिडियोसिस कौन कौन स्पेसिस काज करता है, सिकल कोक्सिडियोसिस कौन और रेक्टल कोक्सिडियोसिस कौन काज करता है. सिम्टम, मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम यदि कोक्सिडियोसिस का पूछेगा इनकेस ऑफ पोल्ट्री या काफ, तो ब्लडी डायरिया. क्योंकि कॉमन जो स्पेसिस है वो इमेरिया टेनेला है, मोस्ट कॉमन स्पेसिस, वो ब्लडी डायरिया काउज करता है. इन केस ऑफ काफ, विंटर कोक्सिडियोसिस जो काउज करता है स्पेसिस इमेरिया जुर्नाई, वो भी ब्लडी डायरिया काउज करता है. तो इंपॉर्टेंट सिम्टम ऑफ कोक्सिडियोसिस एक पॉइंट में बोल सकते हैं ब्लडी डायरिया, लेकिन सम स्पेसिस में ब्लडी डायरिया नहीं होता है. तो डायग्नोसिस पहला तो ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम, टेंटेटिव डायग्नोसिस ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम. क्योंकि यदि ब्लडी डायरिया हो रहा है इन केस ऑफ पोल्ट्री या कैटल, तो उसको हम टेंटेटिव डायग्नोसिस कर सकते हैं. और दूसरा एज के आधार, ऑन द बेसिस ऑफ एज, यंग एनिमल या यंग चिक्स अफेक्टेड है कि एडल्ट, यंग में एनिमल में है, यंग चिक्स में है, तो टेंटेटिव डायग्नोसिस कर सकते हैं. लेकिन माइक्रोस्कोपिक बट कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस बाय द एग्जामिनेशन ऑफ फिशेज. फिशेज में कौन सा स्टेज मिलेगा, थोड़ा सा बताइए, डिस्कशन होना चाहिए दोनों साइड से. अनस्पुलेटेड ओसिस्ट, हाँ, फिशेज में यदि डायग्नोसिस कर रहे हैं तो अनस्पुलेटेड ओसिस्ट स्केटेड आउट टू द फिशेज ऑफ द डबल वाल्ड होता है,
बीच में जनरली एम्ब्रियोनिक मास रहता है, प्रोटोप्लाज्मिक मास होता है, लेकिन इन केस ऑफ पोल्ट्री मैक्सिमम मोर्टेलिटी अकर्स बिफोर द एक्सक्रीशन ऑफ द अनस्पुलेटेड ओरिस थ्रू द पीसेस, जब तक एथ उसके पहले हो जाता है, जब तक कि एक्सक्रीशन होगा वो अनस्पुलेटेड ओरिस, उस स्थिति में डायग्नोसिस का कोई, फिकल एग्जामिनेशन का कोई मतलब नहीं रह सकता, रह जाता है। तो उस स्थिति में आप वन वर्ड को सेक्रीफाइस करके स्लॉटर करके उसमें डायग्नोसिस कर सकते हैं हम कि सिक्कम इसका इन्फेक्टेड है कि नहीं, या स्क्रैपिंग लेके, इंटेस्टाइन को स्क्रैपिंग लेके उसको डायग्नोसिस कर सकते हैं उसमें अनस्पुलेटेड ओसिस है कि नहीं। पीएम फाइंडिंग में लिखा हुआ डायग्नोसिस ऑफ कोक्सीडियोसिस इन चिकन इज बेस्ड ए कंप्लीट बाय पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन ऑफ फ्यू इफेक्टेड बर्ड बिकॉज मेजर पैथोजेनिक इफेक्ट यूजुअली अकर्स प्रायर टू ओसिस सेड इन फीसेस, बिकॉज जब तक वो फीसेस के में आएगा अनस्पुलेटेड ओसिस उसके पहले ही मैक्सिमम पैथोजेनिस हो जाता है और डेथ हो जाता है, इसलिए फिकल एग्जामिनेशन को उतना ज्यादा पोल्ट्री में इंपॉर्टेंट नहीं रह जाता है। इसलिए कैसे हम डायग्नोसिस करेंगे, तो सम अफेक्टेड बर्ड को हम सेक्रीफाइस करेंगे और उसके सिक्कम को एग्जामिन करेंगे, यदि सिक्कम इंफ्लामेटेड है, हेमरेजेस है, सिक्कल कोल मिल रहा है तो कहेंगे कि वो सिक्कल कोक्सिडियोसिस है, या उसके स्क्रैपिंग लेके इंटेस्टाइनल स्क्रैपिंग लीजिएगा, उसको एग्जामिन कीजिएगा माइक्रोस्कोप में तो उसमें अनस्पुलेटेड ओसिस मिलेगा, उसके आधार पर भी डायग्नोसिस कर सकते हैं। जैसे पहला ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम यदि ब्लडी डायरिया आ रहा है तो दूसरा हम ऑन द बेसिस ऑफ फिसेज एग्जामिनेशन या ड्रॉपिंग एग्जामिनेशन यदि अनस्पुलेटेड ओसिस मिल रहा है तो ए डबल वाल्ड होगा, बीच में प्रोटोप्लाज्मिक मास है, ऑन पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन के आधार पर कर सकते हैं, जैसे इनके सब सिकल कोक्सिडियोसिस सिक्कम में हेमरेजेस एंड इन्फ्लामेशन रहेगा, सिक्कम फिल्ड विद द नेक्रोटिक केजियस मटेरियल दैट इज नोन एज सिकल को, ये सिक्कम है, तो इस आधार पर डायग्नोसिस हम कर सकते हैं, सिम्टम के आधार पर, फिसेस के आधार, डायग्नोसिस एंड पोस्टमार्टम के आधार पर। देन अनदर है कि हम उसको अस्पुलेशन कर सकते हैं, जैसे फिशेस का जो अनस्पुलेटेड ओसिस्ट मैंने मिला हमें उसको लैब में 2.5 पोटासियम डाइक्रोमेट सोल्यूशन को अधिक मिक्स करेंगे तो अस्पुलेट हो जाएगा, वो अस्पुलेशन उसमें हो जाएगा, दैट इज नोन एज अस्पुलेटेड ओसिस्ट, उसमें आपको अस्पोरोसिस्ट मिलेगा, अस्पोरोजाइट मिलेगा आपको, लेकिन इसके लिए पोटासियम डाइक्रोमेट क्यों मिक्स किया जाता है जो नीचे आपको लिखा हुआ है। पहला है कि ये प्रोवाइड द ऑक्सीजन, पोटासियम डाइक्रोमेट पढ़े होंगे आप इंटरमीडिएट में, जब ब्रेक करना है तो ऑक्सीजन निकलता है, एस्पुरेशन के लिए थोड़ा सा माइक को ऑफ कर दीजिए, आवाज आ रहा है, माइक ऑफ कर लीजिएगा। तो पोटास, यहाँ इंपॉर्टेंट चीज है कि विच ऑफ द फॉलोइंग chemicals used for the aspiration of unaspulated ocyst, तो उसका example है 2.5% potassium dichromate, क्योंकि potassium dichromate break करता है तो oxygen liberate करता है, oxygen help in the aspiration of unaspulated ocyst, जैसा कि मैं पहले बता चुके हैं, on in the presence of oxygen, humidity and temperature, unaspulated ocyst become aspulated ocyst, तो ये aspulation दूसरा bacterial growth को destroy करता है, जिसके कारण ocyst destroy होने से बच जाता है, तो दो वर्क है, mainly ये oxygen provide करता है, इसको feces को हम lab में लाके उसमें potassium dichromate mix करके उसको बीच बीच में aeration करते हैं तो उसको aspulation होता है, तो पहले भी हम पिछले क्लास में बताते हैं कि कितना टाइम aspulation में लिया, 24 आवर लिया, 48 आवर लिया, 72 आवर लिया, उसके आधार पर भी स्पेसिस डिफरेंशिएशन होता है, जैसे मेरिया टेनेला नेकेट्रिस एंड एसरबुलेना सबका स्पुरलेशन टाइम अलग अलग है,
तो उसको हम स्पेसिस डिफ्रेंसिएशन करने के लिए कि मेरिया टेनेला का है ओसिस्ट कि मेरिया नेकेट्रिस का है, तो उसको लैब में स्पुरेशन करके हम पता कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन ऑफ स्पुरेशन के आधार पर कौन सा स्पेसिस है। ट्रीटमेंट बहुत सारा ड्रग अवेलेबल है, नंबर ऑफ ड्रग अवेलेबल, मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग सल्फाडिमिडिन्स, एम्प्रोलियम जनरली कोक्सिडियोस्टैट ड्रग का काम करता है, जनरली जितने भी पोल्ट्री फीड है उसमें एम्प्रोलियम मिक्स रहता है एज ए कोक्सिडियोस्टैट ड्रग। क्लोट्राजुरिल, आइनोस्फोरस एंटीबायोटिक, सम एंटीबायोटिक यूज होता है, मोनेंसिन, लैसालोसिट एंड सरिनोमाइसिन, ए एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक का डिफिनीशन है, एंटीबायोटिक मीन्स क्या हुआ, एंटीबायोटिक एंड एंटीमाइक्रोबियल आप लोग जानते होंगे, यस सर, एंटीबायोटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्राप्त जो होता है एंटीबायोटिक्स होता है, और लिविंग पे एक्ट करता है, लिविंग पे एक्ट करता है, तो ये सब एंटीबायोटिक है। मोनेंसिन, ये सल्फाडिमिडिन क्या है, एंटीबायोटिक या एंटीमाइक्रोबियल? सल्फाडिमिडिन एंटीमाइक्रोबियल है, ये सब एंटीबायोटिक है। तो सब एंटीबायोटिक यूज होता है, जनरली फंगस से निकाला जाता है ये सब, तो ये भी यूज होता है। ट्रीटमेंट एम्प्रोलियम का दो फंक्शन है, यूटिलाइजेशन ऑफ थायमिन ब्लॉकिंग थायमिन रिसेप्टर इफेक्टिव अगेंस्ट फर्स्ट जनरेशन ट्रोफोजॉइड, जनरली इसमें टू जनरेशन ट्रोफोजॉइड एंड साइजोंट स्टेज बनता है, जैसे पहला साइजोंट ट्रोफोजॉइड से साइजोंट स्टेज बना। साइजोंट कंसिस्ट ऑफ, साइजोंट क्या चीज से कंसिस्ट रहता है, साइजोंट के अंदर क्या रहता है, मीरोजॉइट। जब साइजोंट रप्चर होगा तो मीरोजॉइट रप्चर होगा, फिर वो ट्रोफोजॉइट बनाता है, और फिर वो सेकंड जनरेशन साइजोंट बनता है। तो फर्स्ट जनरेशन साइजोंट पर ये एम्प्रोलियम एक्ट करता है, जितने भी पोल्ट्री फीड कमर्शियल पोल्ट्री फीड है सभी में यूजुअली एम्प्रोलियम ऑलरेडी मिक्स रहता है। कोक्सिडियोसिस इज ए माइंड मेड डिजीज, पहले सेल्फ लिमिटिंग डिजीज कोक्सिडियोसिस, क्योंकि ये जनरली अनहाइजीनिक कंडीशन ओवर क्राउडिंग के द्वारा होता है, कि बहुत सारे पोल्ट्री को कम स्पेस में रखने के कारण या होता है, इसलिए इसको पोल्ट्री को माइंड मेड डिजीज बोला जाता है। सेल्फ लिमिटेड, क्योंकि अडल्ट स्टेज में इम्यूनिटी आ जाता है, तो यदि सर्वाइव कर गया तो अपने आप पे कंट्रोल भी हो जाता है। इम्पॉर्टेंट सटल एंड रोटेशन प्रोग्राम फॉर द टू प्रिवेंट द एंटीकोक्सिडियल ड्रग रेजिस्टेंस, जैसे एंथेलमेंटिक रेजिस्टेंस का नाम सुने होंगे आप, कि बार बार एक ही तरह का एंथेलमेंटिक दे रहे हैं फेनमेंडाजोल तो काम नहीं करेगा हिमोंकस में, उसी तरह जो एंटीकोक्सिडियल जो ड्रग है एम्प्रोलियम सल्फाडिमिडिन मोनेंसिन आदि, रेगुलर एक ही ड्रग को यूज करते रहेंगे तो ड्रग रेजिस्टेंस आ जाएगा पोल्ट्री में। अब पोल्ट्री में मेन इंपॉर्टेंट, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजीज है कोक्सिडियोसिस इन केस ऑफ पोल्ट्री, क्योंकि चिक्स में मैक्सिमम मोर्टिलिटी इसी द्वारा होता है। तो उसका रोटेशन करते हैं हम लोग सटल एंड रोटेशन प्रोग्राम को, जैसे चिक्स में कोई देंगे, ग्रोअर में कौन देंगे, फीडर में कौन देंगे, लेयर में कौन सा, तो एक जैसे ग्रोअर में दिए जो एंटीकोक्सिडियल ड्रग, उसको हम एडल्ट में नहीं देंगे। रोटेशन ऑफ चंदन जी माइक ऑफ कर लीजिए ना, क्या हेलो, रोटेशन ऑफ द एंटीकोक्सिडियल ड्रग जो यूज कर रहे हैं उसी को सटल एंड रोटेशन प्रोग्राम कहते हैं, टू प्रिवेंट द डेवलपमेंट ऑफ द एंटीकोक्सिडियल ड्रग रेसिस्टेंट इन पोल्ट्री। डिफरेंट ड्रग को हम डिफरेंट एज वाइज, जैसे पोल्ट्री में इंपॉर्टेंट रोटेशन करते हैं, ग्रोअर में कौन देंगे, लेयर में कौन देंगे, ब्रॉयलर में, जैसे ग्रोअर में जो दे रहे हैं वो लेयर में वो एंटीकोक्सिडियल ड्रग नहीं देते हैं, दूसरा स्विच ऑफ कर जाते हैं। इसी को सटल एंड रोटे, एक को स्विच ऑन करना, दूसरे को स्विच ऑफ कर देना, माने एक को देना और दूसरे ड्रग को विथड्रॉ कर लेना फीड में, या जिस तरह से देते हैं वाटर में, जनरली फीड में ही मिक्स करके दिया जाता है, टू प्रिवेंट द डेवलपमेंट ऑफ एंटीकोक्सिडियल ड्रग रेजिस्टेंस। ये बर्ड को याद रखिएगा, सटल रोटेशन प्रोग्राम
जनरली यूज इन इन टू प्रिवेंट द ड्रग रेसिस्टेंट डेवलपमेंट अगेंस्ट द इमेरिया स्पेसिस एंड कंट्रोल. एंटीकोक्सिडियल ड्रग को यूज करते हैं एज ए कीमोथेरापी एंड कीमोप्रोफाइलेक्ट. जैसे एम्प्रोलियम, जैसे पहले ही बोले कि प्रोफाइलेक्टिक का काम करता है क्योंकि केमिकल है और फीड में ऑलरेडी मिक्स करके दिया जाता है पहले से, तो प्रोफाइलेक्टिक काम करता था. मैनेजमेंटल प्रैक्टिसेस अडॉप्ट, गुड मैनेजमेंटल प्रैक्टिसेस के द्वारा ही हम पोल्ट्री में कोक्सिडियोसिस को प्रिवेंट कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं. जैसे लीटर शुड बी केप्ट ड्राई, जो उसका बिछावन है लीटर जिसको कहते हैं ड्राई रखना चाहिए कि बिकॉज ह्यूमिडिटी हेल्प इन एस्पुरेशन. ह्यूमिडिटी मिलेगा तो उसके द्वारा एस्पुरेशन हो जाएगा, इन्फेक्टिव स्टेज डेवलप होगा कोक्सिडिया का. ड्राई होगा तो एस्पुरेशन नहीं हो पाता है. फीडिंग एंड वाटर जो टेंसिले है ट्रफ है शुड बी हाइट पर, थोड़ा हाइट पर रहना होगा, नहीं उसके ड्रॉपिंग कंटामिनेट ना कर दे, फिशेज से कंटामिनेट ना हो पाए, क्योंकि इसका इन्फेक्शन थ्रू द कंटामिनेटेड फीड एंड वाटर के द्वारा होता है. गुड वेंटिलेशन, वेंटिलेशन इन पोल्ट्री हाउस में होना चाहिए कि पोल्ट्री हाउस में वेंटिलेशन रहेगा तो मॉइस्चर या ह्यूमिडिटी कम रहेगा तो एस्पुरेशन कम हो पाएगा, इन्फेक्टिव स्टेज कम डेवलप हो पाएगा. ओवर क्राउडिंग अवॉइड करेंगे एंड सम हाई प्रोटीनस फीड अलोंग विद विटामिन ए एंड के, विटामिन के बेनिफिशियल एंड कंट्रोलिंग कोक्सिडिया इन्फेक्शन बिकॉज विटामिन ए हेल्प इन एपिथेलियल सेल रीजनरेशन, क्योंकि एपिथेलियल सेल में रहता है उसके रीजनरेशन में मदद करता है. विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है क्योंकि इसमें हेमरेज होता है. तो कंट्रोलिंग में यदि फीड में हाइपोटेनियस फीड है और उसमें विटामिन मिक्स है एक के, तो एक कंट्रोलिंग में मिनिमाइज करता है इन्फेक्शन को कोक्सिडियोसिस. वायरियस वैक्सीन भी अवेलेबल है. कोक्सीवैक्स इस कंटेन 8 इमेरिया स्पेसिस, कॉक्स एवेगिक इस सब यूनिट वैक्सीन है, गैमिटोसाइट स्टेज से डेवलप हुआ है. देन अनदर वैक्सीन इज कोक्सीवैक्स, इम्यूनोकॉक्स एंड नोविक लाइव है अनएट्यूनेटेड वैक्सीन, लाइव वैक्सीन है एंड लिवा लाइव एटोनिएटेड, इसको लाइव है लेकिन एटोनिएटेड, इसके पैथोजेनिक स्ट्रेन पैथोजेनिक कैपेसिटी को डिक्रीज कर दिया गया है. तो कौन सा लाइव वैक्सीन है, कौन सा लाइव है एटोनिएटेड वैक्सीन है वो याद रखना. कोक्सीवैक्स, इम्यूनोकॉक्स, नोविलिस लाइव अनएटोनिएटेड वैक्सीन, लिवाकॉक्स, पेराकॉक्स आर लाइव एटोनिएटेड वैक्सीन. एटोनिएटेड डन बाय प्रीकॉशियस, जो उसके फिशेज के द्वारा निकलता है मोस्ट पैथोजेनिक, जो फर्स्ट अनस्पुलेटेड ओसिस्ट बाहर आए उसी के द्वारा ये वैक्सीन डेवलप होगा, उसी को कहते हैं प्रिकॉशियस सिलेक्शन. जो पहला ओसिस्ट बाहर आया इन्फेक्टेड होस्ट से उसी के द्वारा ये डेवलप किया गया है. थैंक यू. और एनी कौन सर, दोनों सर, जो कॉक्सीवैक और ये लाइव कॉक्स.